वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से गूगल शीट के डेटा को आप HTML टेबल में दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक गूगल शीट बना ली है, जिसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया है पुराना, जिसमें यहां पर HTML से कैसे डेटा लाते हैं वो बताया था। अब मैं इसके डेटा को आपको किस तरह से एक HTML टेबल पर वेब पर ही आप दिखा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने एक गूगल शीट बना ली, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन में जाके एप्स स्क्रिप्ट ओपन करेंगे। तो एप्स स्क्रिप्ट में जो पहले का मेरा प्रोजेक्ट है पूरा लिखा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके डेटा को यहीं पर एक इंडेक्स फाइल बनाऊँ और उस पर दिखाऊँ। यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने क्या किया था, किसी और दूसरे सर्वर पर यदि आप कोई HTML टेबल बनाते हैं और HTML के पेज से डेटा फेच करना होता है तो वह तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर मैं HTML का पेज यहीं पर बना रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आकर एक इंडेक्स फाइल बना लें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइल में प्लस करूँगा, प्लस करने के बाद एक HTML फाइल बना रहा हूँ। HTML का मैं नाम रख लेता हूँ इंडेक्स। जैसे ही नाम रखा, ये आपको देखिए index.html कर एक पेज बना देगा। यहाँ पर हमारा पेज बन गया। अब यहाँ पर पेज में आपको जो जो बेसिक चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे बेसिक में क्या हुआ, मुझे बूटस्ट्रैप लगेगा, तो मैंने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसी की HTML फाइल में से मैं क्या करता हूँ, मुझे बूटस्ट्रैप लगेगा तो मैं बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पर लेकर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप जुड़ गई। इसके बाद मुझे क्या लगेगा, jQuery लगेगी, क्योंकि मैं जो कोड लिखूंगा वो jQuery से रिलेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर jQuery को भी ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों लिंक मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब मेरे HTML के पेज पर बूटस्ट्रैप भी है और मेरे पास jQuery भी है। ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा दिखाना है। तो डेटा दिखाने के लिए एक हमें टेबल लगेगी, तो मैं एक सिंपल सी टेबल की स्क्रिप्ट भी बॉडी में यहाँ पर रख देता हूँ। आप देखेंगे मैंने कुछ नहीं किया, एक टेबल बनाई है, उसे मैंने टेबल स्क्रिप्ट किया है और एक टी बॉडी कर उसका आईडी दे दी है टी बॉडी। और इसमें टेबल में मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया, ये सारा काम हम क्या करेंगे, स्क्रिप्टिंग के थ्रू करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक index.html यहाँ पर बना ली। अभी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, पर अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे, हम केवल एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ लगा देते हैं और उसे अभी हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसे एंड करता हूँ। सबसे पहले मैं इस फाइल को हमारा जो मेन कोड है, कोड GS जो है, उससे कनेक्ट करूँगा। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, यदि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो उसमें हमने क्या किया था, डू गेट कर यहाँ पर जो हमारी शीट थी उसका डेटा लिया था और उस डेटा को हमने यहाँ से रिटर्न किया था और उसे जो HTML पेज किसी और सर्वर पर या लोकल होस्ट पर था वहाँ गेट किया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट है वो अभी इस तरह से काम नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो अभी हमने यहाँ index.html बनाया है इसको लिंक करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन कॉल होता है वो कौन सा होता है, डू गेट होता है। यानी जब भी आप इसको जब डिप्लॉय करेंगे और आपको लिंक मिलेगी तो वो क्या करेगा, डू गेट फंक्शन कॉल करेगा। तो डू गेट से हम इस index.html को लिंक करेंगे। तो इसको लिंक करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि हमें उसे ओपन ही करना है सीधे से, HTML ML सर्विस डॉट कर आप लिखेंगे क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल ले लो, ठीक है। और इसमें आपकी फाइल का क्या नाम है, तो फाइल का नाम है हमारा index.html, भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंडेक्स ही लिख दोगे तो वो उसको यूज़ कर लेगा और उसको डॉट क्या कर दोगे, इवेल्यूट कर दोगे। इतना किया, ये हमारा क्या हुआ कि जब भी डूगेट चलेगा तो वो इस इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ से लेकर कनेक्ट कर लेगा, यानी हमारी इंडेक्स की फाइल यहाँ पर आके ओपन हो जाएगी। अब इंडेक्स की फाइल ओपन होगी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ और करने की बजाय यहाँ पर टेबल वगैरह तो हमने लिख दी है, हम एक H1 में यहाँ पर एक वेलकम लिख देते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया ये सही हुआ या नहीं, ये फाइल हमारी एड हुई है नहीं। इसे मैंने सेव कर लिया, मेरी स्क्रिप्ट पर आके मैंने यहाँ पर सारे फंक्शन हटा दिए और इंडेक्स फाइल को कनेक्ट कर लिया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब प्रोजेक्ट को एक बार हम डिप्लॉय कर टेस्ट कर लेते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में मैंने यहाँ पर सेम जो दिया हुआ है और यहाँ से डिप्लॉय कर दिया, एक थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ से ये स्क्रिप्टिंग आ गई। अब आप इसे देखेंगे
तो ये क्या हुआ, देखो जो वेलकम हमने लिखा था ये आ गया, यानी कि हमने जो पेज बनाया था वो हमने प्रॉपर वे में यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम जो स्क्रिप्ट लिखने जाते हैं वह उस पेज पर हमें जो डेटा है वो शीट से दिखाना है। तो एक तरीका तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था यह हो गया। दूसरा तरीका, जब यहीं पर शीट दिखाना है तो आप इस तरह से ना करते हुए एक छोटा सा इसमें फंक्शन बना लीजिए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा, टेबल डेटा। यहाँ पर मैंने एक टेबल डेटा का एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब जब टेबल डेटा फंक्शन बनाया तो इससे क्या करना है, हमें डेटा रिटर्न करना है। तो हम रिटर्न करेंगे, किस चीज़ को रिटर्न करना है, तो हमें शीट के डेटा को रिटर्न करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर सर्विस में जाओ, वो सर्विस में जाकर आप यहाँ पर जब सर्च करेंगे नीचे तो आपको गूगल शीट API दिखेगी। तो आप गूगल शीट API ले लें, यहाँ पर जो भी नेम रखना हो, मैं शीट से अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो फिर इसी नेम को यूज़ करूँगा, यहाँ बदल भी सकते हैं। तो मैंने शीट को क्या किया, ऐड किया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, शीट्स मतलब ये जो शीट्स हमने API ऐड करी हुआ आ गई, शीट्स के बाद आप डॉट करोगे, उसके बाद लिखोगे स्प्रेडशीट्स, इसमें आप लिखोगे वैल्यूज़, हमें क्योंकि वैल्यूज़ लेना है, डॉट गेट। गेट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें दो पैरामीटर देना होते हैं। पहले पैरामीटर में हम क्या देते हैं, उस शीट की जो ID होती है वो देते हैं। तो हमारी जो शीट है हम उस पर जाएंगे और उस गूगल शीट की जो ID है जो आप वो आप वहाँ कॉपी कर लोगे, पूरी नहीं लगेगी, केवल आपको ये इतनी ही ID यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आपने शीट की ID लिख दी। अब इसके बाद आपकी शीट का क्या नाम है, तो मेरी शीट का नाम INV है, तो मैं ये शीट का नाम क्या करूँगा, सेकंड वाले में लिख दूँगा। इतना किया, इसके बाद हमें डॉट कर क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो ये हमने वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। तो उस शीट के पहली वाली शीट पे जो भी डेटा है वो इस टेबल डेटा फंक्शन में, जब भी आप रिटर्न करोगे तो इस टेबल डेटा फंक्शन में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर यह पार्ट खत्म। अब हम चलते हैं हमारी index.html में। यहाँ पर हमें एक स्क्रिप्ट लिखना होगी कि जैसे ही यह पेज कॉल हो तो हम क्या चाहते हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ भी हम एक फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन किसके जैसा होगा, जो हमने पहले HTML फाइल बनाई थी लगभग वैसा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ डिस्प्ले डेटा, मतलब डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में भी आप चाहें तो वहीं से मैं कॉपी कर लूँ, या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अननेसेसरी हम क्यों मेहनत करें। तो हमने क्या किया, document.ready, यह हमें हमेशा लिखना चाहिए। तो हमने document.ready वाला जो फंक्शन है वो पूरा मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ। यह document.ready आ गया, मतलब जब भी कॉल होगा जब हमें यहाँ पर डेटा आ जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो कि पहले आप क्या कॉल कर रहे थे, यहाँ पर JSON कॉल करके डेटा ला रहे थे, अब JSON की तो आपने को आवश्यकता है ही नहीं। तो हम क्या करें, डेटा यहाँ पर ही पास कर दें। तो ये जो डिस्प्ले डेटा से जो डेटा आएगा उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मेन लॉजिक क्या था, हमने दो ये वाला मेरे हिसाब से ये पूरा हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ मैं इसमें क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि जो डेटा हमने इस फंक्शन में यहाँ पेज किया उसे हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड डेटा होगा तो उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास रो आ गई और उस रो को फिर हम एक बार और तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, कॉलम आ जाएंगे। तो कॉलम रो का बन के पूरे हमने हमारी जो टी बॉडी थी उस पर सेट करा दिया। अब ये तो एक सिंपल फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन और हमें यहाँ पर होता है जिसे बोला जाता है गूगल डॉट, यहाँ पर इसे लिंक करने के लिए हम कर रहे हैं ना, स्क्रिप्ट गूगल डॉट स्क्रिप्ट के बाद आप लिखते हैं रन, और रन करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा विथ सक्सेस हैंडलर, है ना। यहाँ से ये क्या करेगा, विथ सक्सेस हैंडलर का हम उपयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझना, हमने एक फंक्शन बनाया था जो कहाँ पर बनाया, कोड जीएस में, किस नाम से बनाया, टेबल डेटा। इस फंक्शन से जो डेटा आएगा उस डेटा को हमें इस HTML के इस डेटा में पास कराना है। तो जो उधर वाला फंक्शन है कोड जीएस में, वह टेबल डेटा फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया।
और इस फंक्शन को मैं पास कराना है, तो यह डिस्प्ले डाटा को आप यहाँ लिख देंगे। यह आप विशेष ध्यान रखना कि यह क्या करेगा, जब आप यह स्क्रिप्ट लिखोगे तो इसमें से जो डेटा लाएगा और इस डिस्प्ले डेटा में उसे दिखाएगा, वो डेटा यहाँ आएगा और वो डिस्प्ले होके आपकी टेबल में आके शो हो जाएगा। बस इतना करना है। आप प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिए। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद आप वापस से इसे डिप्लॉय कर दीजिए, और डिप्लॉय करने के बाद आप जैसे ही इसकी लिंक आ जाएगी और लिंक को आप जब देखेंगे तो डेटा हमारा उस पर दिखाई देने लगेगा। ये स्क्रिप्ट रन हुई, वेलकम आया, और देखिए पूरा डेटा वहाँ से जैसा था एज इट इज़ यहाँ पर दिखने लगा। अब जो डेटा यहाँ शीट पर था वही डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा हम एडवांस कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, कि केवल मैं इतना ही डेटा दिखाना चाहता हूँ, मुझे यह डिटेल वाला डेटा नहीं दिखाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज सेट करेंगे। तो रेंज कहाँ पर सेट होगी, तो जो हमारा यह प्रोजेक्ट है इसमें जहाँ से हमने यहाँ पर कोड जी, इसमें जहाँ पर हमने INV लिखा था इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज को सेट कर देंगे। तो रेंज को सेट करने का तरीका क्या होता है, मुझे कौन से कॉलम चाहिए, A to E। आप अगर मेरी एक्सेल शीट पर देखेंगे मुझे केवल इतने कॉलम दिखाना है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, A to E लिख दूंगा। तो यह क्या होगा, उतने सारे कॉलम न लाने के बजाय केवल 5 ही कॉलम ला देगा। तो मैं फर्स्ट फेज में आपको इतना इसको करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और फिर से डिप्लॉय कर देता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखेंगे तो यह डिप्लॉय हुआ और यहाँ से जो लिंक आई मैंने उसे क्लिक किया। क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो केवल उतना ही डेटा यहाँ पर आ गया, जो डेटा हमने केवल 5 कॉलम्स दिए थे उन कॉलम्स का ही डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यह हो गया कि आप कोई भी गूगल शीट के डेटा को HTML की टेबल पे दिखा सकते हैं। यहाँ मुझे एक थोड़ा सा डाउट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में जो ब्लैंक रो है वो यहाँ पर आ रही है, वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर इंडिविजुअल अगर आप इसके कोड को देखेंगे तो वो दिखेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि उन्हें भी हटाना, तो अपने कोड में हमें एक छोटा सा यहाँ पर एक चेंज करना होगा। यहाँ पर जो रोज़ में हम हर बार कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं इफ़, और यहाँ पर कॉलम्स इक्वल टू जब ब्लैंक हो, जब कॉलम ब्लैंक हो, तो हम इसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तभी यह इन चीज़ों को जोड़े, तो यह वाली स्क्रिप्ट नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो ब्लैंक ऐड हुए हैं वो ब्लैंक कॉलम यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। अब आप इसके लुक को भी देखेंगे तो आपको हल्का सा अंतर यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो डेटा आ रहा था, जो बीच बीच में यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है ना डेटा, ये हट जाएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, फिर से डिप्लॉय कर देता हूँ। अब डिप्लॉय किया तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर समय लेता है, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीच की जो एक्स्ट्रा लाइन्स होगी वो भी सब रिमूव हो चुकी होगी। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें बीच में भी कोई एक्स्ट्रा डेटा जो ब्लैंक रो है वो नहीं आ रही। तो आशा है मुझे आपको गूगल शीट से HTML की टेबल में किस तरह से डेटा दिखाते हैं वो लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।